तो देखो तुमको पता होगा हमारे फ्री फायर में आए दिन आईडी बैन होते रहते हैं। बट यार क्यों हमारा जो आईडी है वो बैन होता है? क्योंकि यार तुम लोग को अगर पता ही नहीं होगा क्यों आईडी बैन होता है तो तुम्हारा आईडी तो बैन हो जाएगा, क्योंकि जो मिस्टेक से आईडी बैन होता है आप अगर वो कर दोगे तो आईडी बैन हो ही जाएगा ना। इसलिए तुमको पता होना चाहिए किस रीजन से तुम्हारा जो आईडी है वो बैन होता है। बट आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते तो तुम्हारा जो आईडी है वो बैन नहीं होगा। तो इसलिए वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। यार तुमने कभी आईपी एड्रेस का नाम सुना है क्या? आईपी एड्रेस मतलब आपका जो लोकेशन होता है उसका एक एड्रेस होता है। बट ये जो आईपी एड्रेस होता है ये पूरा नंबरों में लिखा रहता है। और तुमने आईएमईआई नंबर सुना है ना? अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आईएमईआई नंबर मतलब ये होता है आपका सीरियल नंबर। ये समझ लो आपका फोन का एक डेडिकेटेड नंबर है जिससे आप फाइंड कर पाओ आपका ये फोन है। तो देखो यार जब आप फ्री फायर खेलते हो ना तो आपका जो फ्री फायर है ये सब नोटिस करता है आपका आईपी एड्रेस और आईएमईआई नंबर। और आप अगर अपना अकाउंट कोई दूसरी जगह पे लॉगिन करते हो दूसरे फोन से, मतलब समझ लो आप अगर अपने फ्रेंड के फोन में इसका लॉगिन करते हो और ये अगर एक दो बार होता है तो चलता है, पर ये अगर तीन से ज्यादा बार होता है तो आपका जो आईडी है वो डिस्क में चला जाता है। मतलब आपको तीन अलग अलग नंबर पे बार बार लॉगिन नहीं करना है एक दिन में। और इसके जैसा एक सीन होता है आपका अगर 24 घंटे अकाउंट ऑनलाइन रहता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बंदा 24 घंटे गेम नहीं खेल सकता। बट यार कोई बंदा अगर 24 घंटे गेम खेल रहा है तो अकाउंट बैन होने का थोड़ा कम चांस रहता है। बट यार तो भी आपको 24 घंटे गेम नहीं खेलना है और अपने फ्रेंड्स के साथ अपना जो आईडी है वो कभी भी शेयर नहीं करना है। देखो आपके एकदम पास में अगर फ्रेंड है तो आप दे भी सकते हो तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट यार आप अगर कोई ऑनलाइन फ्रेंड बनाए हो तो उसको कभी भी आईडी पासवर्ड मत देना, क्योंकि इससे आपका जो अकाउंट है वो भी स्कैम हो सकता है। और सेकंड जो रीजन आता है वो है टीमिंग। देखो यार आप अगर टीमिंग करते हो और कोई बंदा आपको अगर रिपोर्ट मारता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट ये जो रिपोर्ट है वो अगर बहुत ज्यादा पड़ने लग जाए और कोई बंदा अगर इसको रिकॉर्ड करके अपने जो फ्री फायर टीम है उसको भेज देता है और फ्री फायर टीम अगर इसको देखता है तो हो सकता है आईडी बैन कर दे, क्योंकि कोई भी गेम में टीमिंग करना इलीगल है। देखो मुझे तीन नंबर रीजन आता है वो है यूज सो मेनी ग्लिचेस। तो देखो फ्री फायर में आए ना आए दिन ग्लिचेस आते रहता है, इसलिए आप अगर एक दो ग्लिचेस यूज करते हो कोई बात नहीं। बट जो ग्लिचेस होते हैं वो आप अगर बहुत ज्यादा यूज करते हो तो आपको बहुत सारे लोग चीट का रिपोर्ट मार देंगे। और तुम अगर कोई टॉपअप को रिलेटेड कोई ग्लिच यूज करते हो, मतलब पहले आप टॉपअप मारते थे फिर आप रिफंड मार लेते थे तो इससे आपका जो पैसा है वो रिटर्न हो जाता था और आपका डायमंड भी नहीं कटता था। बट यार बाद में जब फ्री फायर को पता चला ये ग्लिचेस यूज हो रहे हैं तो जो लोग भी इसको यूज किए हैं ना उनकी आईडी में टेम्पररी बैन एंड डायमंड रेस्ट्रिक्शन आ गया था और आप अगर अभी भी करते हो तो भी आ जाएगा। इसलिए आप अगर कोई टॉपअप रिलेटेड कोई ग्लिच यूज कर रहे हो तो गलती से भी सोचना भी मत, क्योंकि इस चीज पे जो गैरीना होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक होता है। और बहुत टाइम पे अपना फ्री फायर में इनविजिबल ग्लिच बहुत सारे ग्लिचेस आते रहते हैं, वो अगर आप एक दो बार फन के लिए यूज कर रहे हो तो ठीक है, वो अगर आप रैंक पुश के लिए और मैच जीतने के लिए यूज करोगे तो हो सकता है इससे भी आपका जो आईडी है वहाँ पर टेम्पररी बैन लग जाए। और हमारा जो फोर्थ नंबर रीजन आता है वो है ओबीबी फाइल के साथ छेड़छाड़। देखो एक होता है हमारे फ्री फायर का डाटा फाइल और एक होता है ओबीबी फाइल। देखो आपको गलती से भी ओबीबी फाइल को छूना तक नहीं है, क्योंकि आप अगर कोई भी हैक यूज करोगे ना तो आपको ओबीबी फाइल को चेंज करना पड़ेगा। और यार आपके अकाउंट अगर कभी भी रिव्यू में जाता है ना और फ्री फायर टीम देखते हैं ओबीबी फाइल में कोई छेड़छाड़ है तो इंस्टेंटली आपका जो आईडी है वो बैन हो जाएगा, क्योंकि फ्री फायर को लगता है ये बंदा हैक यूज कर रहा है। और जो ओबीबी फाइल होता है ना वो होता है फ्री फायर का फुल कोडिंग, उसमें पूरा डिजाइन रहता है फ्री फायर का, यहाँ पर कौन सा घर होगा, इस जगह पे क्या होना चाहिए, फ्री फायर का ग्राफिक्स कैसा होना चाहिए, फ्री फायर का साउंड इफेक्ट क्या होना चाहिए, सब उसमें रहता है। और जो हैकर लोग है इसको चेंज करते हैं, इससे जो हैक बनाते हैं। देखो फ्री फायर को हैक करना इतना इजी नहीं होता क्योंकि इसमें एक इंक्रिप्शन लगा होता है, इंक्रिप्शन मींस एक पासवर्ड, और जब ये पासवर्ड लग जाता है तो फ्री फायर का जो कोडिंग होता है वो चेंज किया जा सकता है। इसलिए आपको कोई भी अनदर साइट से अपना जो फ्री फायर है उसको डाउनलोड नहीं करना है। आपका अगर कोई फ्रेंड बोलता है इस ओबीबी फाइल को डाल के देख इससे अच्छा हेडशॉट लगता है, तो यार गलती से भी ये सब मत करने जाना। तो यार इस सब रीजन के लिए आपका जो आईडी है वो बैन हो जाता है, आप ये गलती को मत करना, जस्ट आपका आईडी है वो बैन होने का कम चांस रहेगा। और तुम्हारा अगर फेसबुक अकाउंट लॉक हो गया है, मतलब तुम्हारा अगर एक फेसबुक अकाउंट है और वो अगर लॉक हो गया है तो यार इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है, इसके ऊपर अगर वीडियो चाहते हो तो बोलना मुझे कमेंट पे। और तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब और लाइक और आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो, जिससे आपका जो फ्रेंड होगा उसका भी आईडी बच जाएगा।